Hello guys, and welcome back again. And I'm really sorry that I am not able to upload videos because of my personal reasons. Also, I am looking for training. इसका भी एक सरप्राइज मैं आपको बताऊंगा क्या है. एक्चुअली कुछ दिनों में मैं सब डिस्क्लोज कर दूंगा सही से. और ऑल्सो आई एम थिंकिंग ऑफ यू नो टेकिंग इंटरव्यूज, जो कि मैंने इंस्टाग्राम की वीडियो स्टोरी में डाला भी था, कि स्टोरी में डाला था कि तुम लोग कुछ प्रॉब्लम है या ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी है, तो ये मैं डालने की सोच रहा हूँ. तो इन सब आइडिया में थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ और ये सब सोचता हूँ कि तुम लोग के लिए क्या चाहिए. ऑल्सो तुम लोग के बहुत मैसेज आते हैं कि मेरे वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत अच्छे लगते हैं. सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है यार सुन के कि मतलब तुम लोग इतने अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियोज. सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव. एंड प्लस यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, बिकॉज इंस्टाग्राम में मतलब क्या है, वहाँ पे मैं चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी और वहाँ पे मैं रिप्लाई भी बहुत फास्ट कर देता हूँ, बिकॉज इंस्टाग्राम में मैं थोड़ा एक्टिव ज़्यादा रहता हूँ. सो दैट्स द रीज़न. ऑल्सो इन टेलीग्राम, ज्वाइन मी इन टेलीग्राम ग्रुप और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, मतलब अब 5K कर ही दो है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये वीडियो जो है तुम लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया है, सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड ऑल्सो कुछ क्वेश्चन जो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या स्कैनर इंपॉर्टेंट हैं, तुम्हें अगर स्कैनर नहीं परचेज करनी है तो क्या उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन है तुम यूज़ कर सकते हो, क्या टीचर्स के जो क्वेश्चन देते हो वो हैं, या मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये सब मैं कुछ बताऊँगा आप लोग को अच्छे से, थरो पूरा बताऊँगा कि क्या क्या कैसा करना है. तो वॉच टिल दी एंड. प्लस पहली चीज़ क्वेश्चन तो यही है कि स्कैनर इंपॉर्टेंट हैं या नहीं. तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि दे आर नॉट रियली इम्पॉर्टेंट. लाइक मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं खुद के ओपिनियन से बता रहा हूँ कि मैं क्या खरीद के रख लूँगा, लेकिन मैं तब तक सॉल्व नहीं करूँगा जब तक मुझे सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि अपन का सिलेबस ही इतना वास्ट है ना कि उसको ख़त्म करते करते ही तुमको इतना टाइम हो जाता है कि तुम स्कैनर सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिलता. और प्लस जो थोड़े बहुत क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले रहते हैं वो भी अपन ये सोच के डाल देते हैं कि अपन यार पहले भी स्कैनर अच्छे से सॉल्व करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं. और इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी से स्कैनर पे फोकस मत करो, चाहे तुम जून 22 के लिए कर रहे हो या दिसंबर 22 के लिए कर रहे हो, स्कैनर अभी फोकस मत करो. तुम्हारा राइट नाउ योर फोकस शुड बी योर लेक्चर्स, योर कंसेप्ट क्लियरिटी, योर प्रोविजन, ठीक है, इन सब पे ध्यान दो. मतलब इतना स्कैनर, बिकॉज अगर तुम एक बार घुसे ना स्कैनर, PDF नोट्स मिल जाएं, ये मिल जाएं, तो तुम उसकी दलदल में फंस जाओगे. मतलब तुमको फिर कितने नोट्स PDF लेके रख लेना और कुछ मत पढ़ना, बस यही होता है एट दी एंड. एक चीज़ पे स्टिक करो, लाइक अगर तुम मॉड्यूल ले रहे हो तो मॉड्यूल पे स्टिक करो एट दी एंड, टिल दी एंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, मॉड्यूल पढ़ के तो जाओ, मेरी बात तो सुनो. मतलब नहीं बने क्वेश्चन तो मेरे से पूछ लेना, मतलब मेरे से रिप्लाई कर देना भैया कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे क्योंकि मैंने मॉड्यूल पढ़ा है, तुमसे सब बनेगा. तो पहली चीज़ ये, लाइक अगर अब ठीक है चलो स्कैनर इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से तो नहीं है, लेकिन अगर अब तुमको खरीदनी है तो तुम कौन सी खरीद सकते हो. देखो मार्केट में बहुत सारे स्कैनर हैं, मतलब हर तरीके की पब्लिकेशंस की तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन एक जो सबसे मेन जो तो सबने सुना हो सुचिता, तो तुम लोग सुचिता ले सकते हो. टैक्समैन में नहीं सजेस्ट करूंगा, ये मेरा पर्सनल है, ठीक है, तुमको अगर लेना है टैक्समैन तो तुम ले सकते हो. तो सुचिता मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सुचिता फिर भी ठीक है इस टैक्समैन, क्योंकि टैक्समैन में मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब वो थोड़े अजीब से क्वेश्चन उसमें दे के रखते हैं. सुचिता में है तो तुम लोग सुचिता ले सकते हो, ठीक है. प्लस अब जिसको सुचिता नहीं लेनी है वो क्या करे, मतलब उसके पास कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं कि अगर उसको स्कैनर नहीं लेना है, तो मेरे हिसाब से हाँ बहुत सारे अल्टरनेटिव, कंटेंट की तो कमी नहीं है भाई, बहुत कंटेंट है तुम्हारे पास अभी इस क्वेश्चन के लिए. देखो पहली चीज़ क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तुम्हारे पास, उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ICSI के प्लेसमेंट पोर्टल में चले जाओ, प्रीवियस ईयर के जितने स्कैनर करते क्यों हैं, इसलिए तो करते हैं ना कि तुम्हें एक समझ में आए कि क्या यूज़ है, मतलब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे पैटर्न आते हैं, तो जाके तुम ले सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो, ठीक है, अपने ICSI के प्लेसमेंट पोर्टल से. प्लस तुम्हारे पास मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन होते हैं, तुम्हारे हर चैप्टर के मॉड्यूल के पीछे, तुम्हें प्रैक्टिस ही करनी है ना, तो यहीं से करो ना यार प्रैक्टिस, पहले इनको तो सॉल्व करो, तुम यही नहीं सॉल्व कर रहे, तुम स्कैनर के पीछे भागे जा रहे हो. स्कैनर तभी इंपॉर्टेंट है जब तुम सॉल्व कर सको, खुद से पूछना, इतनी मोटी मोटी स्कैनर तो फिर वही बुक तुम पढ़ रहे हो फिर से सॉल्व कर पाओगे, और कोई नहीं सॉल्व करता है, सीरियसली बता रहा हूँ. एक्सेप्टेंस MCQ वो मैं अभी बताता हूँ, एक्सेप्ट MCQ में तुमको क्या क्या करना है MCQ में. तो प्लस ठीक है ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया कौन सी यूज़ कहाँ से अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, ठीक है. तुम टीचर्स के नोट्स में कुछ क्वेश्चन देते हैं, टीचर्स जो नोट्स सॉल्व करवाते हैं, टेस्ट पेपर्स देते हैं अगर ले रहे हो, या सेल्फ कर रहे हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम किसी भी टीचर्स के नोट्स ले लो, तुम ग्रुप में पूछ सकते हो किसी भी. प्लस नोट्स ऐसे इकट्ठा मत करो, एग्जैक्टली वही नोट्स हो जो तुमको पढ़ने हो, ऐसे मत सबसे पूछो कि इसके इसके नोट्स हैं, इसके नोट्स हैं,
आराम से कोई सा नोट्स उठाओ, कोई सी भी टीचर का, सबके टीचर अच्छे नोट्स ही देते हैं, बस क्वेश्चन पेपर देखा कि पीछे क्वेश्चन कैसे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं या नहीं, ठीक है। तो ये अब बात करते हैं एमसीक्यू सब्जेक्ट्स। एमसीक्यू सब्जेक्ट्स में मैं स्कैनर सजेस्ट करता हूँ, ऑब्वियसली स्कैनर करनी चाहिए एमसीक्यू में, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, तुम अब देखो चलो कंपनी लॉ भी सॉल्व कर रहे हो, सिक्योरिटी लॉ के भी सॉल्व कर रहे हो ना, तुम्हारा उसके साथ साथ तुम्हारे और सब्जेक्ट भी प्रिपेयर हो जाते हैं, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है तुम्हें यस ये समझ में आना चाहिए कि तुमको पैटर्न क्या है लिखने का, तुम्हें हर क्वेश्चन सॉल्व करने की बैठने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, ये प्रोफेशनल एग्जाम इतनी गधों की तरह राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है, तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस ये करनी है कि तुम्हारी स्पीड अच्छी हो जाए प्लस तुम्हें पैटर्न समझ में आ जाए, तभी अपन स्कैनर यूज करते हैं ये सब। तो इन सब के लिए तुम एक दो सब्जेक्ट भी लेना चाहते हो दूसरे सब्जेक्ट की, जैसे कंपनी लॉ की ले लिया, सिक्योरिटी लॉ की, तो ले लेना, सब सब्जेक्ट की इतनी भरपूर लेके बैठ के रहे हैं सबके लिए तुम्हारे पास क्वेश्चन है, जब प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, हो जाएगा तुम्हारा काम उतने देर में। अब आते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू में मैं सजेस्ट क्यों करता हूँ स्कैनर्स, बिकॉज वहां पे तुम जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना तुम्हारे लिए प्रैक्टिस है, वहां पे प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एमसीक्यू में जितनी ज्यादा एमसीक्यू में प्रैक्टिस करोगे ना उतने तुम्हारे चांसेस ये हैं कि वही क्वेश्चन फिर से आ जाए, है ना। तो इसके लिए मैं ये बोलता हूँ कि तुम लोग स्कैनर यूज करो एमसीक्यू के लिए। अब उनमें कौन से स्कैनर, वही बात होती सुचिता, मैं इसके लिए स्कैनर के लिए नहीं बोलूंगा, तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग मैं कुछ टीचर के नाम दे दूंगा टेलीग्राम में, वो टीचर्स के मैंने भी देखे थे एमसीक्यू, बहुत अच्छे एमसीक्यू होते हैं, तो वो बस भी सॉल्व कर लोगे ना तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो टीचर्स जो कि बहुत फेमस टीचर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बस तुम लोग को पता है कौन है, उन टीचर्स के एमसीक्यू भी सॉल्व कर लोगे ना, मोर देन इनफ है भाई, मोर देन इनफ, वो सॉल्व तो करो तुम लोग, वही कर लोगे ना, मतलब जो चीज़ कर रहे हो बस ये चीज़ करना कि इफेक्टिव करो, ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं हर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी इफेक्टिव नहीं हो रहा, तो ये मत करना, ठीक है। तो वो टीचर्स के सॉल्व कर सकते हो। स्कैनर में इसमें बोलूँगा तो इसके लिए कुछ टीचर्स के नोट्स ही बोलूँगा, टीचर्स के जो स्कैनर वाले होते हैं ना एमसीक्यू, वो यूज़ कर सकते हो तुम लोग, ये सुचिता विचिता में कुछ नहीं है, सो वो पता नहीं क्या ही दे, अगर लेना हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें क्वेश्चन इतने अच्छे नहीं होते हैं, उसके क्वेश्चन ना कभी ज़िंदगी में आते, वो बहुत ही रद्दी टाइप के क्वेश्चन, बस उसमें ये पता चल जाता है कि प्रीवियस ईयर कौन से का, तो वो तो तुम जाके प्रीवियस ईयर से उठा लो, तीन चार तो क्वेश्चन पेपर ही हैं अभी एमसीक्यू वाले के, तो जाओ सारे सॉल्व कर डालो, तुम्हें इतना ही है, तो ये कर सकते हो। तो सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड अब मैं कल वीडियो डालूंगा कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, वीकली टाइम टेबल कैसे बनाना है, मंथली टाइम टेबल कैसे बनाना है, तो ये सब मैं बताऊंगा। टाइम टेबल बनाना नहीं बताऊंगा कि बना के पूरा तुम लोग को दे दूँ, मैं ये बताऊंगा कि कैसे बना सकते हो, क्या कैसे टारगेट करने हैं, डायरी कैसे यूज़ करनी है, कि उसको डायरी को कैसे, तो ये सारे वीडियोस अपकमिंग वीडियोस हैं, बहुत शानदार वीडियोस आने वाले हैं, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे आइडिया हैं और तुम लोग को इसमें बहुत हेल्प होगी, जो मैंने खुद भी किए हैं और मुझे तो बहुत हेल्प हुई थी, तो वो सब मैं तुम्हें भी सजेस्ट करूँगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड बाय बाय।